नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। शुरुआत करते हैं खबरों की। उससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। खबरों की रोशनी एवं केकेआर न्यूज कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विधायक आरिफ मसूद ने कार्यालय में झंडा वंदन किया। साथ ही अपने संदेश में विधायक आरिफ मसूद ने कहा, स्वतंत्रता दिवस पर सियासी लोगों के साथ साथ उलेमाओं को भी याद करें, जिन्होंने जंगे आज़ादी में महत्वपूर्ण किरदार निभाया। विधायक मसूद ने खबरों की रोशनी अखबार एवं केकेआर न्यूज़ को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विधायक आरिफ मसूद के साथ प्रधान संपादक मोहम्मद साबिर खान, अब्दुल नफीस, जमीयत उलेमा हिंद के भोपाल जिला अध्यक्ष हाफिज इस्माइल बेग, शावर मंसूरी, PIB के MCD भवन लाल झांझिया सहित खबरों की रोशनी अखबार एवं केकेआर न्यूज की संपूर्ण टीम और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हमारे ऑफिस में हमारे पधारे हैं इनका विधायक लाडले नेता आरिफ मसूद साहब, और आज उन्होंने ध्वजारोपण किया है। हम चाहेंगे कि उनके हमारे संदेश दें आज भारत 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर। मैं सभी को दिली मुबारकबाद देता हूँ, खासतौर से केकेआर ग्रुप और अंसर भाई आपकी पूरी टीम को, और ये उम्मीद करूंगा कि ये चैनल और ये ऑफिस एक अच्छे काम खैर के काम हो, और जो ज़रूरतमंद लोग, परेशान लोग, उनकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा उठा के समस्याएं सुलझाई जा सके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज के दिन मेरा यही है। दूसरा, एक मेरा बहुत नौजवानों को ख़ास तौर से मैं कल से बराबर कह रहा हूँ कि 15 अगस्त की अहमियत को समझिए। ये 15 अगस्त हमको जो मिला है, बहुत लोगों की कुर्बानी भी मिला है। लोग सियासतदानों को याद रखते हैं, दूसरे इतिहासकारों को याद रखते हैं, लेकिन असल उन लोगों को हम भूल जाते हैं जिन उलेमा इकराम ने इस आज़ादी का तिरंगा हमारे हाथ में दिया अपनी जान की बाजी लगाकर। तो हमें उन्हें भी खराज अकीदत आज के दिन पेश करना चाहिए, और खूब खुशी के साथ ये तय करना चाहिए कि जिस मंसूबे को, जिस सोच के साथ जंगी आज़ादी के शोदाओं ने इस देश को आज़ाद कराया था कि ये देश दुनिया में एक आला मुकाम हासिल करे, उसके लिए हमें नफरत ख़त्म करना होगी, मोहब्बत को आम करना होगा। हम सब आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे केकेआर न्यूज़, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।